सॉरी यार लेट हो गया। तुझे पता है ना मैं 2 घंटे से वेट कर रही हूँ तेरा। क्या करूँ यार, रात को देर तक मूवी देखी, सुबह आँखें नहीं खुली। हर तू नाराज मत हुआ कर यार, तू ही तो है जो मेरा इतना ख्याल करती है। अच्छा तूने कुछ खाया? कैसे खाता यार, सुबह उठा तेरे पास आ गया। मुझे पता था इसलिए मैंने तेरे लिए पास्ता बना के लेकर आई। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम बहुत प्यार करते हैं। तू तो मेरा ऐसे ख्याल रखती है जैसे गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ है। वाइफ भी बन जाऊंगी। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ, मेरी नींद गई चैन होने लगा, कुछ तो होने लगा, कुछ तो होने लगा। पहले कभी, हाँ पहले कभी। चल यार चलता हूँ, काफी टाइम हो गया। यार तू अभी तो आया था और अभी जा रहा है, और ये मैसेजेस किसके आते थे कोई इतने फोन पे? अरे कुछ नहीं यार, दोस्तों के मैसेज हैं। जब मेरे से मिलने आता है ना तो ये फोन वोन घर पे छोड़ के आया कर अपने। अच्छा बाबा अब जाने तो दे, तभी तो कल मिलेंगे। चल ठीक है, गुस्सा मत दो। तो प्यार से हग भी कर लिया, हग तो स्माइल कर दे, और कल मिल तो रहे हम। अच्छा चल ठीक है, चल ठीक है बाय। वेट कर रही हूँ। सॉरी यार आज नहीं आ पाऊंगा, पापा के साथ कहीं काम से जा रहा हूँ। अच्छा चल आराम से जाइए और अपना ध्यान रखियो, और ना खाना खा लियो, भूलियो मत। ओके मेरी जान खा लूंगा, तू टेंशन ना ले, चल आके कॉल करता हूँ। चल ठीक है बाय। हेलो रुस्तम, कहाँ हो? घर पे हूँ। शाम को पार्क में आ रहे हो ना? हाँ शाम को पार्क में मिलते हैं।
ओके ठीक है ओके। वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। एक बेवफा से यार एक बात पूछूं? हाँ पूछ ना। कल तू कहाँ था? पापा के साथ था, क्यों क्या हुआ? खा मेरी कसम। तेरी कसम यार, पापा के साथ था। तुझे पता है ना, झूठी कसम खाने से आदमी मर जाता है। पागल है, मैं तेरी झूठी कसम क्यों खाऊंगा? और तू तो मेरी जान है, और मेरे होते हो तुझे कुछ हो सकता है। एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। कॉल आ रही है, मैं निकलता हूँ। ठीक है? अच्छा ठीक है, चल ठीक है, बाय। बॉयफ्रेंड है तेरा वो? हाँ, क्यों क्या हुआ? तुझे पता है ये किसी लड़की को डेट करता है, और कल ही मैंने इसे किसी और लड़की के साथ देखा है। सब पता है मुझे, फिर भी तू उसके साथ है। क्या करूँ यार, मुझे प्यार ही इतना है उससे, और उसके बिना रह भी नहीं सकती। बट यार समझ। कुछ नहीं समझना मुझे, और वो एक दिन जरूर समझ जाएगा। वो मेरी किस्मत में ना सही, पर मेरे दिल में हमेशा रहेगा। चल ठीक है, मेरा काम था तुझे समझाना। तुझे पता है आज तेरा भाई फंसते फंसते बचा है। कैसे? अबे तुझे पता है कल मैं प्रीत के साथ डेट पे गया था, और जानवी बोलने लगी खाओ मेरी कसम तुम कहाँ थे, तेरा भाई तो डर गया था। फिर तूने क्या किया? क्या करता, खाली कसम। अबे कसम वसम से कुछ होता थोड़ी ना। बट भाई तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तुझसे बहुत प्यार करती है। आजकल के टाइम पे कोई प्यार नहीं करता मेरे भाई, सब टाइम पास है। चल ठीक है, तुझे लगता है ना तुझसे प्यार नहीं करती। एक काम करते हैं, तेरी सारी गर्लफ्रेंड को कॉल करते हैं और झूठ बोलते हैं कि तेरा एक्सीडेंट हो गया और तेरे ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए, देखते हैं कौन लेके आती है। अच्छा चल ठीक है, तू कर ले अपने दिल की तसल्ली। ला अपना फोन दे। हेलो। हाँ हेलो जानवी, मैं रुस्तम का दोस्त बोल रहा हूँ। रुस्तम का एक्सीडेंट हो गया। क्या, कहाँ और कैसे? वो ठीक तो है ना? प्लीज मेरी एक बार उससे बात करा दो। वो बात करने की हालत में नहीं है, और उसके मम्मी पापा भी यहाँ पर नहीं है। अब जल्दी से 5 लाख रुपए लेके हॉस्पिटल आ जाओ। ठीक है मैं पैसे लेकर आती हूँ, पर तुम उसका ध्यान रखना प्लीज। हाँ ओके ठीक है। चल ठीक है, देखते हैं क्या होता है, चल चलते हैं।
जानवी की कॉल आ रही है, रुक जल्दी गाड़ी रुक जल्दी उतर जल्दी। हेलो हेलो यार, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, कौन सा हॉस्पिटल आना है? मैं आपको एक मिनट कॉल बैक करता हूँ। हेलो 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 भाई, क्या बोला उसने? देख भाई, मैंने बोला था ना तेरी किसी गर्लफ्रेंड का फोन नहीं आया, और जानवी ने पैसों का इंतजाम कर लिया है। भाई वो तेरे से सच्चा प्यार करती है भाई, प्लीज यार उसको धोखा मत दियो, ऐसी गर्लफ्रेंड किस्मत वालों को मिलती है। तू सही कह रहा है यार, मैंने उसे बहुत हर्ट किया है। ठीक है भाई, तू उसे कॉल कर और सब सच बता दे। हेलो हेलो रुस्तम, कहाँ हो तुम यार, और एक्सीडेंट कैसे हो गया? मैं सब बताता हूँ, तुम मुझे चर्च वाली गली में मिलो। तुम ठीक तो हो ना? अरे हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मुझे मिलो तो सही। ठीक है मैं अभी आई। ठीक है। अबे अब तू कहाँ बिजी हो गया? कुछ नहीं यार, घर से बोलता हूँ, अम्मी बुला रही हैं, उनको कुछ काम है। चल ठीक है, तू भाभी से मिल गया, हम शाम को मिलते हैं। और हाँ एक प्रॉमिस कर, तू आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करेगा और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मेरे भाई ऐसे इंसान को कभी नहीं होना चाहिए जो आपकी खामियां जानकर भी आपसे इतना प्यार करता हो। ठीक है मेरे भाई, अगर तू नहीं होता ना तो उसके प्यार का कभी एहसास ही नहीं होता। चल चल अब ज़्यादा सेंटी मत हो, और भाभी वेट कर रही है। चल ठीक है मेरे भाई। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया? अरे हाँ मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। आजकल के टाइम पे कोई प्यार नहीं करता मेरे भाई, सब टाइम पास है। चल ठीक है, तुझे लगता है ना तो सब प्यार नहीं करती। एक काम करते हैं, तेरी सारी गर्लफ्रेंडों को कॉल करते हैं और झूठ बोलते हैं कि तेरा एक्सीडेंट हो गया और तेरे ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए, देखते हैं कौन लेके आती है। आई एम सॉरी यार, वो बस एक नाटक था, और मुझे एहसास हो गया कि तुम मेरे से बहुत प्यार करती हो, और आज के बाद तुम्हारे सिवा किसी लड़की से बात करने तक की दूर देखूंगा तक नहीं, और गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हारे जैसी जो मेरे से इतना प्यार करती हो। ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, इतना मेरा रुस्तम, मर तो मैं पहले ही गई थी, वो तो तुम्हारा प्यार और तुम्हारी फिक्र है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया। और याद है मैंने एक दिन बोला था कि किसी की झूठी कसम खा के वो इंसान मर जाता है, और देखो आज मैं तुम्हारे साथ होके भी तुमसे कितनी दूर हूँ। तकदीर का भी खेल देखो, जब मैं तुम्हारे साथ थी तो तुम मेरे साथ नहीं थे, और जब तुम मेरे साथ हो तो ऊपर वाले ने साथ नहीं दिया। प्लीज़ यार मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरी इतनी केयर कौन करेगा, मुझे भूखा रहने पे खाना कौन खिलाएगा, प्लीज यार। अपना ख्याल रखना और खाना टाइम से खा लेना।